गुड इवनिंग गाइस, और आज का ये जो वीडियो है ये इवोल्यूशन एक्स के एक अपडेट के रिगार्डिंग है। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं बस बता दूंगा कि आज के इवोल्यूशन एक्स के अपडेट में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। इसमें कोई इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको जानना है कि इसे इंस्टॉल कैसे करें तो प्लीज़ मेरे पहले इवोल्यूशन एक्स के वीडियो को रेफर कर लें। उसमें मैंने डिटेल वे में बताया है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज बस मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि इस रॉम में मेजर चेंज लॉग क्या क्या आए हैं इस अपडेट के साथ। तो चलिए एकदम टाइम वेस्ट ना करके शुरू कर देते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे इस रॉम की डिटेल्स में देख सकते हैं कि कर्नल वर्जन जो है वो इमेंसिटी कर्नल है, और इसका जो वर्जन है वो है 4.1.4.177, जो कि इमेंसिटी कर्नल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो इस अपडेट के साथ हमें इमेंसिटी कर्नल को भी उसके लेटेस्ट अपडेट में ला दिया गया है। तो ये वन ऑफ द चेंजेस है जो इस अपडेट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस, अगर बात कर ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में, तो गैस आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं अभी ट्राई करूंगा अनलॉक करने का। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन हम सभी ने अभी देखा, तो वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैं फिर से आप सभी को अनलॉक करके दिखा दे रहा हूँ। ये रहा, ये रेगुलर फिंगरप्रिंट एनिमेशन नहीं है जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये वन प्लस एट का फिंगरप्रिंट एनिमेशन है जो इस अपडेट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। इसका नाम है एनर्जी। तो ये एक न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन है जो इस अपडेट के साथ लिस्ट में ऐड हुआ है। तो गाइस, अगर नेक्स्ट चेंज की तरफ आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एफओडी आइकन पिकर के सेक्शन में जो वन प्लस का एफओडी स्टाइल है उसे अपडेट कर दिया गया है, और लेटेस्ट वन प्लस एट के फिंगरप्रिंट आइकन की तरह कर दिया गया है। मैं श्योर हूँ कि कैमरा में शायद से आपको डिफरेंस समझ में ना आए, लेकिन आप अपडेट करेंगे तो आपको ज़रूर से पता चलेगा कि ये जो आइकन है वो पहले से काफ़ी स्लीक हो चुका है। पहले का आइकन थोड़ा सा मोटा था, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी स्लीक हो चुका है और लेटेस्ट वन प्लस एट की तरह हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस, नेक्स्ट चेंज जो हमें देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ, वो हमें देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी सेक्शन में। इस मेन्यू में हमें पहले से एक ऑप्शन देखने को मिलता था जो कि था गूगल प्ले सिस्टम अपडेट चेक, जो थर्ड यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कहीं रहता था। तो यहाँ पे अभी इस अपडेट के साथ वो पूरा ऑप्शन ओमिट कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। तो इस अपडेट में आप उस फीचर, उस मेन्यू को आप यहाँ पे और देख नहीं पाएंगे। तो ये भी एक चेंज है जो इस अपडेट के चेंजेस में अपने एक जगह बना चुका है। तो चेंजेस के लिस्ट में इसके बाद आ जाए तो हम लोग और एक चेंज भी इस रॉम इस अपडेट के साथ देख सकते हैं इस रॉम में, वो है पिक्सल लॉन्चर को कर दिया गया है अपडेट। यहाँ पे अगर होम स्क्रीन सेटिंग में आ जाए तो दो मेजर ऑप्शन हम लोग को देखने को नहीं मिलते यहाँ पे, और एक तो है इसका ग्रिड साइज सिलेक्टर जो यहाँ पे देखने को मिलता था एक मेन्यू, और एक है डेवलपर ऑप्शन, उसका मेन्यू भी हमें देखने को मिलता था, जो दोनों मेन्यू ही अभी देखने को नहीं मिलता है। और चेंज लॉग से बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं पिक्सल लॉन्चर को भी अपडेट कर दिया गया है इस रॉम में। तो एक और चेंज जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है चेंज लॉक के लिस्ट में, वो है डिवाइस नेम में ब्रांड का भी प्रेफरेंस इस बार दिया गया है। मैं श्योर नहीं हूँ कि रेडमी नाम पहले था, यानी ब्रांड का नाम का प्रेफरेंस पहले दिया जाता था नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन इस चेंज लॉक में इसे पर्टिकुलरली मैंशन किया गया है कि ब्रांड नेम को भी प्रेफरेंस दिया गया है डिवाइस के नेम में। तो ये भी वन ऑफ द चेंजेस है जो इस अपडेट के साथ हम लोगों को देखने को मिलता है, और छोटे बहुत इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस एंड ऑप्टिमाइज हेयर एंड देयर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन मेजर चेंजेस और जो मेरे को बताना चाहिए आप लोगों को, ऐसा कोई चेंजेस और हम लोगों को इस रॉम में देखने को नहीं मिलता। और एक बात, सिक्योरिटी में जो हम लोगों को फेस अनलॉक का फीचर हटा दिया गया था यहाँ पे, तो इस प्रीवियस अपडेट में, तो वो फीचर हम लोगों को देखने को अभी भी नहीं मिलता, अभी भी वो फीचर डिसेबल किया हुआ है। होपफुली जल्दी ही हमें देखने को मिल जाए वो फीचर। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।